तो गाइस आज का अपना टॉपिक है जेसे हीरा और मेथड स्टेटमेंट के बारे में। तो गाइस जैसे आप एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल या फिर एज ए इंजीनियर जब भी आप साइट पे आएंगे तो ये तीनों डॉक्यूमेंट काफी ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बिना आप कुछ कोई काम साइट पे कर ही नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम इस वीडियो में देखेंगे डिफिनेशन ऑफ जेसे हीरा और मेथड स्टेटमेंट क्या होता है, साथ साथ हम देखेंगे स्टेप ऑफ जेसे हीरा और मेथड स्टेटमेंट का स्टेप क्या होता है और इसको हम लोग कैसे करते हैं। साथ साथ हम देखेंगे व्हाई वी शुड डू इट, हम लोग इस जेसे हीरा मेथड स्टेटमेंट को क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, हमको साइट पे ये क्यों करना जरूरी है। साथ साथ गाइस हम ये भी देखेंगे डिफरेंट बिटवीन जेसे हीरा और मेथड स्टेटमेंट में क्या डिफरेंट है, हमको हीरा क्यों करना चाहिए, जेसे क्यों करना चाहिए, मेथड स्टेटमेंट क्यों करना चाहिए। साथ साथ हम ये भी देखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है। साथ साथ हम देखेंगे हाउ कैन वी डू इट एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, मतलब कि हम देखेंगे कि ये हम लोग कैसे करते हैं और इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होता है, ये आखिर में साइट पे कौन करता है। और साथ हम देखेंगे हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल, मतलब जब हम हीरा करते हैं तो उसमें ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है हायरार्की ऑफ रिस्क। हम लोग साइट पे कोई भी हजार्ड्स को यानी किसी भी हजार्ड को कंट्रोल करना है तो आपको हायरार्की ऑफ रिस्क असेसमेंट का हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल को फॉलो अप करके उसका हायरार्की लगा के आपको उसको कंट्रोल करता है। तो गाइस हम बिना समय बर्बाद किए उन टॉपिक पे आते हैं और एक एक करके समझ, पूरे 100% विश्वास के साथ मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे लास्ट तक तो आपको ये पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कृपया आप इसको स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर बने रहें। हाँ तो गाइस सबसे पहले अपना टॉपिक क्या है, मेथड स्टेटमेंट के बारे में। तो गाइस सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन समझते हैं कि एक्चुअली मेथड स्टेटमेंट होता क्या है। गाइस मेथड स्टेटमेंट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क एक्टिविटी ऑन अ कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्रियल साइट। गाइस ये क्या होता है कि मैसेज स्टेटमेंट क्या होता है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रोवाइड करता है क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि हमको जो भी हमको टास्क करना है, सपोज हमको एक बिल्डिंग बनाना है तो उसको कैसे बनाना है। इट इज अ प्राइमरी यूज टू इंश्योर दैट अ वर्क इज कैरी आउट सेफली सिस्टमेटिकली एंड इन कंप्लायंस विद द लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन। इसमें हम क्या करना है कि इसमें हम लोग यूज इसलिए करते हैं ताकि हम लोग को जो कोई भी हमको काम करना है तो हम लोग सेफली करें और सिस्टमेटिकली करें और जो भी हमारा लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हम लोग क्या करें कोई भी वायलेशन ना करें। गाइस हम जब मेथड स्टेटमेंट बनाते हैं तो बहुत सारी चीजों का हम लोग को ध्यान देना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन डालना पड़ता है कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, उसका स्कोप क्या है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट मैनेजर सेफ्टी प्रोफेशनल इंजीनियर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क क्या रहेगा, उसमें हजार्ड्स और आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसमें मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, उसमें रिसोर्सेज क्या क्या देंगे हम, लिफ्टिंग प्रोसीजर में क्या क्या करेंगे हम, साथ साथ में सेफ्टी और इन्वायरमेंट के लिए क्या कंसिडर करेंगे हम, कम्युनिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे जो भी हमारे आसपास के जो बंदे रहेंगे, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए क्या करेंगे, ट्रेनिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, मॉनिटर और रिव्यू हम लास्ट में करते हैं, साथ साथ में जो भी अटैचमेंट जो डॉक्यूमेंट होता है जैसे में लिफ्टिंग प्लान लोड चार्ट जैसे रिस्क असेसमेंट बाकी और सी बहुत सारा डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमको क्या करना होता है देना होता है। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि आपको मैंने एक अलग से मैं एक सेपरेट मेथड स्टेटमेंट बना के दिखाऊं तो गाइस ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने काफी सारा मेथड स्टेटमेंट बनाया हुआ है, आप अगर बोलेंगे तो मैं उस पर सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। अभी हम लोग जेसे के बारे में समझते हैं, अपना दूसरा टॉपिक क्या है जेसे के बारे में। तो फ्रेंड जेसे मतलब क्या होता है कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन समझते हैं कि जेसे एक्चुअली होता क्या है। गाइस जॉब सेफ्टी एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर दैट यूज्ड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हजार्ड एसोसिएट विद स्पेसिफिक जॉब टास्क एंड डेवलप कंट्रोल मेजर टू इलिमिनेट द रिस्क। फ्रेंड्स क्या होता है कि जेसे क्या होता है कि सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है, जब भी हम लोग कोई भी काम अगर हम करना होता है सबसे पहले हमको मेथड स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके बाद जस्ट बाद हमें प्रोसीजर होता है कि जेसे करना। इसका मेन गोल क्या होता है, द मेन गोल ऑफ जेसे इज टू ब्रेक डाउन द जॉब इनटू स्टेप टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल हजार्ड फॉर ईच स्टेप एंड प्रोवाइड कंट्रोल मेजर। इसमें क्या होता है, सपोज एक हमको बिल्डिंग बनाता है सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे मार्किंग करना पड़ेगा, फिर वहां पे सर्वे करना पड़ेगा, फिर उसके बाद से हमको वहां पे एक्सर्वेशन कराएंगे, फिर उसके बाद से वहां पे ब्रिक वर्क कराएंगे, फिर उसके बाद से वहां पे कास्टिंग वगैरह कराएंगे, फिर रेनफोर्समेंट वगैरह कराएंगे। तो गाइस कोई भी काम करने में बहुत सारे स्टेप होता है, तो जेसे का क्या होता है कि मतलब कि स्टेप में क्या करता है कि डिवाइड कर देता है और उसमें क्या हजार्ड्स होता है क्या कंट्रोल हो जाता है उस पे के बारे में इसमें हम लोग जेसे में काम करते हैं। अब इसमें जेसे में 5 स्टेप होता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि सिलेक्टिंग द जॉब टू बी एनालाइज, मतलब कि हम पहले सिलेक्ट जो जॉब करते हैं कि हमको क्या काम करना है। सपोज हमको एक बिल्डिंग बनाना है, उसमें क्या करते हैं कि ब्रेकिंग द जॉब टू इन टू स्टेप, उसमें हम लोग बिल्डिंग बनाने में अब क्या क्या काम पड़ेगा, सबसे पहले मार्किंग करेंगे, एक्सर्वेशन करेंगे, ब्रिक वर्क करेंगे, पेंटिंग सेंटिंग, मतलब बहुत सारा काम होता है। तो उसमें क्या करते हैं कि जॉब को ब्रेक कर देते हैं, आइडेंटिफाई ईच स्टेप टू रिक्वायर द जॉब, मतलब उसमें जो भी स्टेप होता है जो भी मतलब काम कोई काम करने में तो उसमें सभी हम क्या करते हैं स्टेप को ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद से हम लोग फिर देखते हैं कि उसमें आइडेंटिफाई द हजार्ड, जो भी हम लोग स्टेप को हम लोग जो डिवाइड करेंगे उसमें क्या हजार्ड्स है। उसके बाद से हम डिटरमाइन द प्रिवेंटिंग मेजर, उसमें हम लोग क्या कंट्रोल मेजर लगाएंगे। हमारा चौथा स्टेप क्या होता है कि उसमें हम लोग प्रिवेंटिंग मेजर क्या देंगे। उसके बाद से हमारा छठा पॉइंट क्या होता है, रिव्यू एंड अपडेट।
रिव्यू एंड इम्प्लीमेंटिंग द जेएसए, अगर हम लोग फिर रिव्यू करते हैं एज पर हम लोग जेएसए जो भी हम बनाए हैं, अगर साइट वो फॉलो नहीं हो रहा है, वो मतलब कि अगर कोई चेंजेस हो गया, फिर इक्विपमेंट चेंज हो गया, फिर कोई भी क्लाइमेट चेंज हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं उसको रिव्यू कर देते हैं और फिर से हम लोग उसको अपडेट करते हैं। फ्रेंड्स मतलब मेथड स्टेटमेंट का जस्ट जो हमारा दूसरा स्टेप होता है वो हमारा जॉब सेफ्टी एनालिसिस होता है। उसके बाद से फ्रेंड्स हमारा जस्ट तीसरा स्टेप क्या होता है कि हीरा होता है, यानी कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट। तो सबसे पहले गाइस हम इसका हम लोग क्या करते हैं कि डिफिनेशन समझते हैं कि एक्चुअली हीरा होता क्या है। ए हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट यूज्ड टू आइडेंटिफाई हजार्ड अक्रॉस द इंटायर प्रोजेक्ट एक्टिविटी और साइट, असेस एंड मैनेज रिस्क ऑन अ द गोल इज टू इवेलुएट द लाइकलीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस हजार्ड एंड एस्टेब्लिश कंट्रोल मेजर टू रिड्यूस और इलिमिनेट द रिस्क। फ्रेंड हीरा क्या होता है कि हजार्ड एंड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट क्या होता है कि रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कि पूरे अपने साइट पे, सपोज कि हमको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना है तो उसमें इंटायर प्रोजेक्ट के लिए हम क्या करते हैं उसमें हम लोग की हजार्ड्स क्या हो सकता है और उसमें क्या कंट्रोल मेजर लेंगे, उसमें लाइकलीहुड क्या होता है, उसमें कॉन्सिक्वेंस क्या होगा होगा, उसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग हीरा में डिफेंस करते हैं। जबकि जेएसए में क्या करते हैं वो स्पेसिफिक केवल एक जॉब टास्क के लिए हम लोग काम करते हैं, बाकी हीरा में क्या करते हैं हमको हम लोग पूरे ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट के लिए हम लोग काम करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हीरा में कितने स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले हीरा में फ्रेंड्स गाइस 5 स्टेप होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, जैसे हम लोग जब जेएसए कर लेंगे उसके बाद से हमारा फ्रेंड्स क्या होता है कि हीरा बनाते हैं, तो उसमें हम लोग एक बिल्डिंग बनाना है तो सबसे पहले देख लेंगे उस बिल्डिंग में क्या हजार्ड है, आइडेंटिफाई द हजार्ड डेट कुड कॉज हार्म सच एज फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल हजार्ड, दिस हजार्ड कुड बी रिलेटेड टू मशीनरी मटेरियल एंड प्रोसीजर या एक्सटर्नल कंडीशन। फ्रेंड्स इसमें हम लोग के पूरे हमारे साइट पे जो भी केमिकल फिजिकल बायोलॉजिकल और जो भी मशीनरी वगैरह होता है उसमें क्या करते हैं हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद से फ्रेंड्स हम देखते हैं एसेस द रिस्क डिसाइड हु माइट बी हार्म एंड हाउ, मतलब कि फिर हम देखते हैं कि उसमें जो काम करेगा सपोज एक सर्वेशन का काम करेगा तो पूरे एक सर्वेशन में क्या हजार्ड्स हो सकता है, और साथ साथ में देखेंगे एक सर्वेशन जो करते समय में कौन उसमें नुकसान पहुंच सकता है, जैसे मैं एक्सावेटर ऑपरेटर जो नियर बाई वर्कर हो गए साइट इंजीनियर साइट सुपरवाइजर और कैसे नुकसान पहुंच सकता है। गाइस हम मैंने एक ऑलरेडी एक रिक्स में बनाया, अगर आप बोलेंगे तो मैंने उसको भी दूसरे वीडियो में आपको दिखा सकता हूं, क्योंकि अगर इसमें मैं दिखाऊंगा तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगर आपका डिमांड होगा तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं इवेलुएट द रिस्क, मतलब उसमें क्या रिस्क हो सकता है, उसमें रिस्क को क्या करते हैं हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हमारा चौथा पॉइंट क्या है उसमें कंट्रोल द रिस्क, उस रिस्क को क्या करते हैं हम लोग कंट्रोल करने के लिए क्या कंट्रोल में लगाएंगे वो हम डेवलप करते हैं। और छठा पांचवा क्या होता है मॉनिटर एंड रिव्यू, उसके बाद हम क्या करते हैं कि मॉनिटर करते हैं और लास्ट में उसको करते हैं रिव्यू करते हैं, अगर कोई भी अपडेट चेंज आता है तो उसको हम क्या करते हैं रिव्यू करते हैं। अब कैसे हम लोग देखेंगे द की डिफरेंट बिटवीन द जॉब सेफ्टी एनालिसिस एंड हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, हम देखेंगे जेएसए और हीरा में एक्चुअली डिफरेंट क्या होता है। गाइस आपका बहुत सारा ये कंफ्यूजन होता है कि जेएसए हीरा दोनों सेम है, हम मेथड असेसमेंट बना लिए तो जेएसए कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हीरा का क्या काम है, या फिर आप सोचते होंगे कि हीरा बना लेंगे तो हमको जेएसए का काम नहीं होता है। तो आइए हम इस डाउट को हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले फोकस क्या करता है जेएसए और हीरा, जेएसए क्या होता है कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस होता है जो कि फोकस ऑन इंडिविजुअल टास्क है जॉब टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज रिस्क स्पेसिफिक टू डेट टास्क, क्या करता है कि स्पेसिफिक टास्क के लिए काम करता है। जबकि हीरा क्या करता है, हीरा क्या करता है गाइस कि फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग द हजार्ड अक्रॉस द एंटायर प्रोजेक्ट एक्टिविटी और साइट टू एसेस द एसेस एंड मैनेज रिस्क ऑन अ लार्ज स्केल। ये क्या करता है हीरा, जैसे क्या करता है कि वो स्पेशल टास्क के लिए काम करता है, जैसे सपोज हमको पूरे बिल्डिंग में एक सर्वेक्षण करना है तो केवल एक सर्वेक्षण के लिए काम करेगा, जबकि एक सर्वेक्षण कहाँ कहाँ करना है, अब साइट पर भी एक सर्वेक्षण बहुत जगह पर करना होता है तो ये स्पेसिफिक जिस लोकेशन पे काम करना है, सपोज हमको एक 5 तला बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए अलग जेएसए बनता है, अगर हमको 10 तला बनाना है तो उसके लिए अलग अलग जेएसए बनता है। तो लेकिन जबकि हम अगर हीरा का काम करेंगे तो वो चाहे 2 फ्लोर बनाना हो या फिर 10 फ्लोर बनाना हो, आपको उसमें हीरा में एक ही मेंशन रहेगा, उसमें मतलब कि इंटायर पूरे आपको उसमें हजार सन कंट्रोल में रहेगा कि जे एक्चुअली हम लोग हीरा में जो भी एक्सर्वेशन करना है तो एक्सर्वेशन में जो प्रॉपर हजार से टोटल मेंशन किया जाता है। उसके बाद से इसमें ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जेएसए का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंश्योर सेफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्पेसिफिक जॉब बाय ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्टेप एंड कंट्रोलिंग रिस्क ऑफ स्टेप, क्या करता है कि ये क्या करता है कि इसका हम लोग देख लेते हैं कि इसका स्पेसिफिक साइज एज पर जो हम लोग ब्रेक डाउन किए हैं जॉब को ब्रेक किए हैं उसके हिसाब से इसमें कंट्रोल मेजर इस स्टेप पे फॉलो हो रहा है कि नहीं होता। जबकि हीरा का क्या है, प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट फॉर वेरियस हजार डेट कुड अफेक्ट द इंटायर वर्कसाइट या प्रोजेक्ट नॉट जस्ट इंडिविजुअल टास्क।
हीरा क्या करता है कि इसका अपडेट भी ये होता है कि उसमें हम लोग देखते हैं कि ना केवल बंदे को लेकर पूरे साइट का हम लोग इसमें हम लोग क्या करते हैं, हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं, ताकि हमारे आसपास में या फिर किसी को भी नुकसान ना आ पाए। इसका मेथोलॉजी देखते हैं हम लोग। जैसे क्या होता है कि ब्रेक डाउन टास्क स्टेप बाय स्टेप, इसमें क्या करते हैं ब्रेक कर देता है, आइडेंटिफाई हजार्ड एसोसिएटेड विद द ईच स्टेप, हर एक स्टेप में उसका हजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर देता है, रिकमेंडेड कंट्रोल मेजर में मिटिगेट द रिस्क, उसमें क्या होता है कि रिकमेंड कंट्रोल में देता है और उस हजार्स को क्या होता है मिटिगेट मतलब होता है इलिमिनेट कर देता है। जबकि हीरा क्या करता है आइडेंटिफाई द हजार्स फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल एनवायरमेंटल अक्रॉस द साइट, पूरे साइट का ये क्या करता है फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल और एनवायरमेंट का हजार्स को क्या करेगा आइडेंटिफाई करेगा। फिर एसेस द लाइकलीहुड सेवेरिटी, उसमें लाइकलीहुड क्या है और सेवेरिटी क्या है उसके बारे में ये क्या कर सकता है ये एसेस करता है। फिर उसके बाद प्रायोरिटी रिस्क एंड डेवलप द कंट्रोल मेजर फॉर साइट एंड होल साइट एज होल, मतलब पूरे साइट के लिए उसमें क्या हम लोग क्या प्रायोरिटीज में क्या देंगे, उसमें रिस्क और कंट्रोल क्या देंगे। टाइमिंग क्या करता है फिर जैसे क्या करता है टाइपिकली कंडक्टेड बिफोर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक जॉब या टास्क, हम साइट पे इसको जैसे करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करने पर सबसे पहले हमको जैसे काम करना पड़ता है। जबकि हीरा क्या क्या करते हैं कंडक्टिंग ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड डिजाइनिंग फेज ऑफ ए प्रोजेक्ट एंड अपडेट पीरियोडिकली व्हाइल वर्किंग एट साइट। उसके बाद क्या करते हैं हीरा गाइस क्या होता है कि हीरा जब हम लोग प्लांट को जब सेटअप करते हैं तभी हम लोग क्या करते हैं इसमें हीरा का भी काम करते हैं। जैसे मैं इलिमिनेशन मोस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि अगर हमको इलिमिनेट करना है कोई काम को, जैसे मैं कि अगर हम मैनुअली हमको एक्सर्वेशन, जैसे मैं एक्सर्वेशन करना है तो मैनुअली काम करेंगे तो बहुत सारे वर्कर को दिक्कत होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे आपको एक्सर्वेटर देंगे, यानी कि हजार से क्या हुआ इलिमिनेट हो गया, यानी कि डिगिंग का काम का हो क्या हुआ एक्सर्वेशन का इलिमिनेट हो गया। आप जैसे ऐसा नहीं है कि मैनुअली करेंगे तो उसमें हजार से, जेसीबी से कराएंगे तो हजार नहीं है, उसमें भी हाई रिस्क हजार से, बट वो मैनुअल जो मैन को इफेक्ट होगा वो यहाँ पे बच सकता है। साथ साथ में उसके पास सब्स्टिट्यूशन हो गया, उसके पास इंजीनियरिंग कंट्रोल हो गया, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो गया, लास्ट में पीपी जाता है। जो तीन प्रोसेस होता है ये हम जब प्लानिंग करते हैं जब प्रोजेक्ट में ड्राइंग करते हैं तो ये तीन चीज कॉमन होता है जो कि मैंने अभी साइट पर देखा हुआ है, तीन चीज ऑलरेडी आता है हमको। मोस्टली क्या क्या करना होता है साइट पे एडमिनिस्ट्रेटिव और पीपीएस पे काम करना है मोस्टली ज्यादा, और मोस्टली ये जो ऊपर का जो तीन चीज है ये ऑलरेडी आता है, बाकी हम लोग कुछ पे माइनर कहीं कहीं पे हम लोग पांचों पर काम करना होता है, अदरवाइज मोस्टली मैंने देखा कि 70% ये तीनों प्लानिंग करते समय इस पे काम करता है। लो गाइस अगर आप बोलेंगे तो मैं हर के रिस्क असेसमेंट पे एक सेपरेट वीडियो बना लूंगा, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में बनाऊंगा तो ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा। अगर आपका डिमांड होगा तो आप एक बार मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैंने हर के रिस्क असेसमेंट पे एक मैं पूरे टॉपिक लेके आपको इसमें वीडियो बना के दे दूंगा। तो गाइस मैं ऐसा करता हूँ कि आपको हीरा जैसे मेथड्समेंट समझ में आया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बेहिचक मेरे को कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। गाइस मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर आप फिर चाहते हैं ऐसे वीडियो आपको अपडेट मिले तो प्लीज आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपडेट हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।